Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Druby College, University of Allahabad. And in my previous video, I have discussed with you the characteristics of logical positivism as a philosophy. And in this video, I am going to discuss educational implications of logical positivism. So it is interesting. It is an interesting and a valuable video for you all. So let's start. हमने जितने भी दर्शन पढ़े हैं, क्योंकि हम शिक्षा के विद्यार्थी हैं, हम लोगों को शिक्षा शास्त्र से लेना देना है, तो हम हर दर्शन को उसके शैक्षिक निहितार्थ के रूप में भी जानते हैं, जानना चाहते हैं, जानना चाहिए कि उस दर्शन ने शिक्षा को क्या दिया, उस दर्शन से शिक्षा शास्त्र में क्या इनपुट मिला है, क्या हमको एडिशनल इनपुट मिला है. तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की, तो उसका बेसिस क्या है कि साइंस को ये महत्ता देते हैं, ये रीजन की बात करते हैं, ये लॉजिक की बात करते हैं, ये मेटाफिजिक्स को नकारते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि सिर्फ इम्पिरिकल एक्सपीरियंस ही से जो चीज मिल रही है, जो सेंसेस जिसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको वेरीफाई कर सकते हैं, वही ज्ञान सत्य है, वही ज्ञान मीनिंगफुल है, बाकी सब कुछ मीनिंगलेस है. तो इनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी इसी इसी इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इर्द गिर्द है. ये क्या कह रहे हैं, कुछ एम्स ऑफ नॉलेज, मतलब कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म के हिसाब से ज्ञान के उद्देश्य क्या होने चाहिए या शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंस एंड नॉनसेंस, नॉलेज एंड इग्नोरेंस, मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस प्रोपोजिशंस. क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि इसको मीनिंगफुल कहेंगे, जिसको आप वेरीफाई कर सके वो मीनिंगफुल है, जिसको वेरीफाई नहीं कर सके वो मीनिंगलेस है. तो ये इस तरह से मतलब शिक्षार्थी को इस तरह से विकसित करना चाहते हैं कि वो अंतर कर सके, वो विभेद कर सके, जो सेंसफुल है उसको नॉनसेंस से, जो ज्ञान है उसको अज्ञान से, जो अर्थपूर्ण है उसको अर्थहीन से. और क्या, किसका प्रचार प्रसार करेंगे, ये वैज्ञानिक ज्ञान का करेंगे. इट एम्स एट प्रोपेगेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, इट सीक्स टू बेस द एंटायर एजुकेशनल प्रोसेस ऑन इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग. और इनके हिसाब से पूरी की पूरी शैक्षिक प्रक्रिया जो है वो बुद्धिमत्ता और तार्किकता पर बेस्ड होनी चाहिए. इट लेज एम्फेसिस अपॉन ऑब्जेक्टिव नॉलेज एज अगेंस्ट सब्जेक्टिविटी. तो ये और किस पर ये बल देंगे, ये वस्तुनिष्ठ ज्ञान पर बल देंगे और जो व्यक्तिनिष्ठता है उसका विरोध करेंगे. क्योंकि वस्तुनिष्ठ ज्ञान क्या क्यों है, क्यों इसका इस पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, टेस्टेबल है, वेरीफाइबल है. और इट्स एम इज प्रिसाइजली द ऑपोजिट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म. इस तरीके से ये एग्जिस्टेंशियलिज्म से बिल्कुल उल्टा हो जाता है. नॉलेज अकॉर्डिंग टू इट इज एम्पिरिकल. ये कह रहे हैं ज्ञान वो है जिसको आप जिसकी आप सत्यता की जांच कर सके. द एजुकेशनल सिस्टम शुड बी बेस्ड अपॉन रिलायबल एंड वेरीफाइड नॉलेज. वो कह रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा शैक्षिक तंत्र और निकाय विश्वसनीय और जांचने योग्य ज्ञान पर आधारित होना चाहिए. वेरिफिकेशन इज थ्रू द प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज. और वेरीफाई करेंगे कैसे, अपने प्राकृतिक उसके परिणामों से उसका वेरिफिकेशन करेंगे. दस लॉजिकल पॉजिटिविस्ट एडवाइज द यूज ऑफ यूटी utilitarian criteria in knowledge. एजुकेशन एम्स एट क्रिएटिंग क्रिटिकल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड. और शिक्षा का क्या कार्य होना चाहिए लॉजिकल पॉजिटिविज्म के हिसाब से, वो बच्चे में, व्यक्ति में, इंडिविजुअल में तार्किक और वैज्ञानिक एटीट्यूड को विकसित कर सके, उसका निर्माण कर सके. दिस इज पॉसिबल बाई ट्रेनिंग इन लैंग्वेज. और ये संभव कैसे होगा, अगर हम उनको भाषा में प्रशिक्षण देंगे तो ये संभव हो सकता है. तो ये ज्ञान या शिक्षा के उद्देश्य इन अकॉर्डिंग टू लॉजिकल पॉजिटिविज्म. मेथड क्या होना चाहिए कि इस मेथडोलॉजी से पढ़ाया जाएगा, वो कह रहे हैं लॉजिकल हो, पॉजिटिव हो, तार्किक रूप से पढ़ाया जाए. टीचर शुड हिमसेल्फ एनालाइज प्रोपोजिशंस एंड नॉलेज एंड चेक देयर वेरिफिकेशन. पढ़ाने से पहले शिक्षक को स्वयं ज्ञान का जो भी जो ज्ञान वो देना जा रहा है बच्चों के साथ शेयर करने जा रहा है उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए पहले ही पढ़ाने से पहले. और हिज अप्रोच शुड बी स्ट्रिक्टली साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव. और जो टीचर होगा उसका जो उपागम होगा, जो उसकी अप्रोच होगी बच्चों के प्रति, पढ़ाने के प्रति, वो वैज्ञानिक होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए. ही शुड टेस्ट हाइपोथेसिस एंड अजम्पशंस इन एवरी फील्ड ऑफ नॉलेज. और जो यहाँ पे ही है वो वैसे ही ऑब्लिक शी होना चाहिए. तो कह रहे हैं कि जो शिक्षक है उसको खुद ही मतलब परिकल्पनाओं का निर्माण, ये सब क्यों ऐसी बातें हो रही, क्योंकि वैज्ञानिक विधि को प्रमोट कर रहे हैं, कह रहे हैं वैज्ञानिक विधि सही है और वैज्ञानिक विधि में हाइपोथेसिस अजम्पशंस इनकी बात होती है. तो वो कह रहे हैं कि उनको ज्ञान के हर क्षेत्र में परिकल्पना का निर्माण करके, उसका परीक्षण करके इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए. उनको पावर ऑफ रीजनिंग डेवलप करानी चाहिए बच्चों में, लॉजिकल थिंकिंग के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए. ही शुड हैव अ सेंस ऑफ पर्पस एवरीवेयर एंड रिजेक्ट एवरीथिंग व्हिच कैन नॉट बी वेरीफाइड. यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा प्रैग्मेटिज्म से मिलते हैं, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म भी पर्पस की बात करता है. तो कह रहे हैं उनके पास पता होना चाहिए कि ये क्यों करने जा रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, और हर वो बात जिसका कि आप जांच नहीं कर सकते हैं, जिसको कि आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया. और यही बात उनको अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी में लानी है और स्टूडेंट्स में इनकलकेट करनी है, उनमें जगानी है, उनमें पैदा करनी है.
और करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो आपको पता ही चल गया कि साइंस पे बल है, ये कह रहे हैं फिजिक्स इज द ओनली साइंस, है ना, तो ये रिजेक्ट कर रहे हैं किसको, मेटाफिजिक्स को, क्यों, क्योंकि मेटाफिजिक्स में वो बातें हैं, वो इसमें कंसेप्ट हैं जिनको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते अपने एम्पिरिकल अपने सेंसेस से, रिलीजन में भी वही है, एंड ऑल सच नॉलेज विच मे नॉट बी वेरीफाइड, तो कह रहे हैं इन सबको पढ़ने पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है, पढ़ाना किसको है, लैंग्वेज पढ़ाइए, ग्रामर पढ़ाइए, लॉजिक तो पढ़ाइए ही पढ़ाइए, लॉजिक के बिना नाम ही लॉजिकल पॉजिटिविज्म है। फिर द ट्रेनिंग इन एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, ये कह रहे हैं हर विद्यार्थी के लिए भाषा और भाषा का विश्लेषण कैसा किया जाता है इसका प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है, इट इज ओनली एनालिसिस विच लीड्स टू क्लैरिटी ऑफ थॉट, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एनालिसिस के बाद ही उसके अंदर विचारों की स्पष्टता आ सकती है, और रिलीजियस मॉरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन को पॉजिटिविस्ट करिकुलम में कोई स्थान नहीं, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं, कोई नैतिक शिक्षा नहीं, कोई आध्यात्मिक शिक्षा नहीं लॉजिकल पॉजिटिविज्म के हिसाब से, और साइंस को सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस प्लेस मिलेगा, इट रिजेक्ट सेल्फ क्रिटिसिज्म एवरीवेयर, ऑल क्रिटिसिज्म मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, वो कह रहे हैं कि आलोचना भी वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, और साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च वो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल शुड बी इनकरेज्ड बाय हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, एवरी टाइप ऑफ एजुकेशन, वैसे तो रिसर्च तो हायर एजुकेशन में ही होगी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज, वो कह रहे हैं विश्वविद्यालय और जो आपके उच्च शिक्षा के संस्थान है वो विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान को उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो अगर आप लॉजिकल पॉजिटिविज्म समझ गए हैं तो आपको आसानी से उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आ जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके कोर्स में है, आपको उसका टेक्स्ट चाहिए, आपको मैटर चाहिए, देन हेंस आई एम शोइंग हियर। और लास्ट में आप कैसे कंक्लूड कर सकते हैं इसको, कि इन द फाइनल एनालिसिस द कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज द इवोल्यूशन ऑफ द फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन, यानी कि पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था लैंग्वेज की फिलॉसफी, लैंग्वेज का साइंस क्या है, लैंग्वेज की एनालिसिस क्या है, इसीलिए कहते हैं कि लिंग्विस्टिक फिलॉसफी का बहुत प्रभुत्व है लॉजिकल पॉजिटिविज्म पे, और प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन, जांच करने की क्षमता, जांच करने का सिद्धांत, कौन सी चीज जांच के बाद सत्य निकल कर आ रही है, जो सत्य निकल कर आ रही है वही मीनिंगफुल है, बाकी सब मीनिंगलेस है, ये इनका एक मेन कंट्रीब्यूशन एजुकेशन को है। और लॉजिकल पॉजिटिविस्ट डेवलप ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ, इन्होंने सत्य का भी वैज्ञानिक सिद्धांत विकसित किया, दे रिजेक्ट एवरीथिंग विच कैनॉट बी, ओ माई गॉड, ये एम ए नहीं सी ए एन है ना, विच कैनॉट बी वेरीफाइड, वो कह रहे हैं हर वो चीज, हर वो बात जिसको आपने जांचा नहीं है, जिसको आपने परखा नहीं है, जो सत्य नहीं सिद्ध हुआ है, वो रिजेक्ट कर दीजिए। द टास्क ऑफ फिलोसफी अकॉर्डिंग टू लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज टू वर्क एज ए साइंस ऑफ साइंसेस, मतलब विज्ञानों का भी विज्ञान, इस तरीके से लॉजिकल पॉजिटिविज्म काम करता है। तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट एक्ट एज कैटलिस्ट, ये उत्प्रेरक की तरह इन्होंने काम किया, डाउन राइट रिजेक्ट ऑल कंफ्यूज एंड अनवेरीफाइड बिलीव्स, हाइपोथेसिस एंड प्रोपोजिशंस, और इन्होंने कहा कि शिक्षा से हर वो चीज निकाल दीजिए जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, जिसको आप जो आपके विश्वास हैं जिनकी आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसी कोई भी परिकल्पना, कोई भी प्रोपोजिशन, कोई भी बिलीफ जो कंफ्यूजन उत्पन्न करे, जो वेरीफाई ना किया जा सके, उसका कोई स्थान शिक्षा में नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा में स्थान किसका होना चाहिए, वैज्ञानिकता का, वैज्ञानिक एटीट्यूड का, तर्क का, और आपके फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज का, साइंस ऑफ लैंग्वेज का, एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज का, ताकि क्लैरिटी रहे। ओके, इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड अ क्विक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। आई होप यू ऑल गेट एक्वेंटेड विद दिस एंड यू must be understand this video and the lecture. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from myself.